कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको इंदौर एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट। यह इंडिया का काफ़ी बेहतरीन एयरपोर्ट है। यहाँ पर दो टर्मिनल है। फर्स्ट टर्मिनल आपका डोमेस्टिक टर्मिनल है जहाँ से आपको फ्लाइट मिल जाएगी इंडिया में कहीं भी जाने के लिए, और काफ़ी फ्रीक्वेंट फ्लाइट चलती है यहाँ से, इंडिगो की, एयर एशिया, विस्तारा, एयर इंडिया और गो एयर की। टर्मिनल टू आपका कार्गो के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर एक और नया टर्मिनल बन रहा है जो आपका इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यूज़ होगा आने वाले टाइम में। दोस्तों, आपको इंदौर एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट्स रेगुलर मिल जाएंगी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, कहीं भी जाने के लिए आपको रेगुलर वे में फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा फ्लाइट जो इंदौर चलती है वो मुंबई के लिए चलती है और नई दिल्ली के लिए चलती है। एक वीक में कम से कम 40 फ्लाइट चलती हैं इंदौर से मुंबई के लिए, और 30 फ्लाइट चलती है आपकी इंदौर से नई दिल्ली के लिए। यहाँ से आपको कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट भी मिल जाएगी, जैसे अगर आपको शारजाह जाना हो तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, कोलालंपुर की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, बैंकॉक की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आपको यूएस से जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपको ब्रेक जर्नी करके जाना होगा। इंदौर से आपको फ्लाइट मिलेगी या तो बॉम्बे जाएगी, और बॉम्बे से आपको ऑस्ट्रेलिया की मिलेगी या यूएसए की मिलेगी, या इंदौर से दिल्ली, देन सो ऑन। तो ऐसे आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट ब्रेक होकर जाती है यहाँ से। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। इंदौर एयरपोर्ट पे काफ़ी सारी आपकी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पर पूरा पूरा मॉडर्न फैसिलिटीज़ है आपकी। यहाँ पर आपको एस्केलेटर मिल जाएगा, इमिग्रेशन काउंटर है, कार रेंटल, आपका बुकिंग, होटल बुकिंग काउंटर है, काफ़ी सारे काउंटर्स बने हैं आपकी सुविधाओं के लिए। और यहाँ पर आपको आउटलेट मिल जाएंगे ज्वेलरी के, न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टेशनरी, और यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आप खाना एंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। तो काफ़ी सारी फैसिलिटी आपकी इंदौर एयरपोर्ट पर दी गई है। अब हम बताएंगे इंदौर एयरपोर्ट से आप आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, आसपास का एरिया कौन सा पड़ेगा। तो इंदौर एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट आपका बस स्टेशन है जो आपका एरोड्रोम रोड पे पड़ता है। वहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी जो आपको इंदौर सिटी के किसी भी कोने में छोड़ देंगी। साथ में आपको वहीं से प्रीपेड टैक्सी भी मिल जाएगी जो आपको इंदौर सिटी तक ले जाएगी। इंदौर एयरपोर्ट का आपका डिस्टेंस 13 किलोमीटर का है बस स्टेशन से, और आपका 11 किलोमीटर का है इंदौर रेलवे स्टेशन से। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और इंदौर की सिटी से एयरपोर्ट की। और अब हम बात करेंगे पार्किंग चार्जेस के बारे में। इंदौर एयरपोर्ट पे आपकी पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। इंदौर एयरपोर्ट की कैपेसिटी आपकी 450 कार पार्क करने की, 10 बसेस, 150 टू व्हीलर, और पर घंटे का किराया जो आप सामने देख रहे हैं ऐसी 55 रुपये, 15 रुपये, 60 रुपये, 120 रुपये। और यहाँ पर आपका फ्री पिकअप और ड्रॉप पॉइंट भी दिए गए हैं। उसके लिए पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आपका दिया गया, 7 मिनट के अंदर अगर आप पिकअप कर लेते हैं तो आपके कोई चार्जेस नहीं लेंगे। जब आप एंट्री करेंगे व्हीकल तो आपको एक स्लिप इशू की जाएगी, और जब एग्जिट करेंगे तब भी आपको उस स्लिप का टाइमिंग देखा जाएगा। अगर वो 7 मिनट के अंदर है तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो पार्किंग की आपकी फुल टू फैसिलिटी आपकी इंदौर एयरपोर्ट पर। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।